तो दोस्तों फाइनली गेम में आ चुका है इस सीजन का एक स्पेशल चैलेंज जो है हालैंड चैलेंज। एंड यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑसम कंटेंट है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा कि क्या कुछ आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि ऐसे ऑसम वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। एंड गाइज, अगर आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो तो बहुत हेल्प रहेगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, तो ज़रूर कोशिश करें अगर हो सके तो। नाउ जैसे ही ये चैलेंज स्टार्ट होगा, आपको यहाँ पे एक गोल पोस्ट की तरह कुछ देखने को मिलेगा। एंड जैसे आपने पहले भी देखा है, फुटबॉल कैंप इसका नाम है, कि आपको कुछ चीज़ें जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको इस सीज़न जो चीज़ कलेक्ट करनी है वो है गोल्डन बूट मेडल्स, राइट। जितना ज़्यादा गोल्डन बूट मेडल्स आप यहाँ पे गेन कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप रिवॉर्ड्स जो है वो अनलॉक कर सकते हो। सेम चीज़ रहेगी, दो टीयर्स रहेंगे। एक अगर आप सिल्वर पास, जो आप नॉर्मली, मतलब सिल्वर पास तो नहीं, फ्री टू प्ले वाला जो पास रहता है, जिसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कुछ सीजनल ट्रूप्स भी हैं, स्पेल्स भी हैं, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। बहुत सारे ओर्स वगैरह हैं। एंड एक बार ही आप सारे के सारे बूट्स अगर कलेक्ट कर लेते हो, तो जैसे अगर आप फ्री टू प्ले कर रहे हो तो आपको 3100 जो है बूट्स मिलेंगे, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और अगर आप पास जो है वो परचेज करते हो तो आपको 5000 एक्स्ट्रा बूट्स देखने को मिलेंगे, एंड डेफिनेटली बोनस ट्रैक में थोड़े से और देखने को मिलते हैं। और रिवॉर्ड्स वगैरह में बात करें तो जैसे मैंने बताया, एक सीजनल ट्रूप है, एक सीजनल स्पेल है, और डेकोरेशंस वगैरह में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फुटबॉल कैंप, और यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक विक्ट्री मिल्क जो है वो भी आपको ऑब्स्टिकल नहीं, डेकोरेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारी सीन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रिवॉर्ड्स आप कलेक्ट कर सकते हो। तो दो यहाँ पे लेजेंडरी आइटम्स जो है आप कलेक्ट कर सकते हो। एक एपिक इक्विपमेंट हो गया अपने बार्बेरियन किंग का स्पाइकी बॉल, ऑलरेडी आपने सीजनल चैलेंज जो आ रहे हैं उनमें आपने देख लिया होगा, जो हालैंड के चैलेंज सीरीज है वहाँ पे, कि ये कैसा काम करता है। तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो प्रोजेक्टाइल डैमेज जो है वो 30-50 का है, और नंबर ऑफ टारगेट्स जो है वो 9 है। हीरो बूस्ट जो है वो करता है, यहाँ पे डैमेज इंक्रीज़ करता है, डीपीएस सॉरी इंक्रीज़ करता है, एंड यहाँ पे हिट पॉइंट भी है इंक्रीज़ करता है। तो काफ़ी एपिक इक्विपमेंट होगी इसके साथ। जायंट गॉन्टलेट को अगर आप मर्ज करोगे तो भाई क्या ही तबाही होगी। वो भी आने वाले वीडियोज़ में हम ट्राई करके देखेंगे कि ये दोनों इक्विपमेंट, मतलब ये स्पाइकी बॉल और जायंट गॉन्टलेट अगर आप कंबाइन करते हैं तो किंग की क्या ऑसम पावर निकल के आती है। बट उसी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया, ये क्वीन की लेजेंडरी स्किन जो है वो भी आप परचेस कर सकते हो। डेफिनेटली पहले आपको एपिक इक्विपमेंट परचेस करना चाहिए, उसके बाद अगर आप मेडल्स आपके मतलब बहुत ज़्यादा बचते हैं तो फिर आप इस पे जा सकते हो। अगर आप पास परचेस कर रहे हो तो ही आप जा पाओगे दोनों चीज़ों पे, बट अगर आप फ्री टू प्ले हो तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर जाना चाहिए, स्पाइकी बॉल के ऊपर। या फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो अभी छोड़ते हैं, बाद में जब जिम से आ जाएगा ये इक्विपमेंट तब लोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी आप चाहो तो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब सीजनल ट्रूप्स के बारे में बात करें तो कौन से सीजनल ट्रूप्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला सीजनल ट्रूप यहाँ पे, पहला नहीं, एक ही सीजनल ट्रूप है यहाँ पे। एक तो ऑलरेडी बार्बेरियन किकर जो है वो है ही, ये है जायंट थ्रोअर, एक तरीके से अगर बोलूँ तो सुपर बोलर जैसा काम करता है। सुपर बोलर बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एक्चुअली ये काम करता है बॉम्बर जैसा, मतलब बिल्डर बेस के बॉम्बर जैसा। तो सीन ये है कि इसका जो डैमेज पर सॉरी हिट पॉइंट जो है वो 3600 है, डैमेज पर सेकंड 200 है, बट मेन है इसका जो बॉल बाउंस है वो 3 बार बाउंस करता है। अच्छे से देखना, 1, 2, 3, और हर बाउंस में 1650 जो है वो डैमेज देता है, ठीक है, 1650। बट ये मैक्स वॉल को भी एक ही मतलब अगर टच भी कर लेना इसका बॉल बाउंस तो भी वो ब्रेक कर देता है, राइट। तो वॉल्स के लिए तो बहुत ही खतरनाक है, और डेफिनेटली डिफेंसेस के लिए भी खतरनाक है। तो बहुत ही गजब ट्रूप है, इसको यूज़ करके मैं स्ट्रेटजीज आपसे शेयर करूंगा आने वाले वीडियोज़ में। बट इसकी हाउसिंग स्पेस जो है वो 15 है, डिसेंट इनफ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा रखा है उन्होंने, आप यूज़ कर सकते हो। अभी रूट राइडर्स को यूज़ करके सबका ऐसा आदत हो गया कि इसके अलावा कुछ यूज़ ही नहीं करता, पर फिर भी। अच्छा, जायंट थ्रोअर का एक बात और है, इनिशियल जो इसकी थ्रो होती है उसके बाद ये जाके डिफेंसेस को किक करता है, राइट। तो पहले ये लॉन्ग रेंज से अपना बॉल जो है वो बाउंस कर देता है, उसके बाद ये डिफेंसेस के पास चल के जाता है, डिफेंसेस को किक करता है। तो ये सीन है। अब अगर बात करें स्पेल की, तो वो है येलो कार्ड, और वो यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा येलो कार्ड है, ये एक तरीके से आप डिफेंसेस को इनविजिबल कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, ये सिंगल टारगेट है, मतलब इसका एरिया स्लैश नहीं है, पर्टिकुलर जिस यूनिट पर आप ड्रॉप करोगे सिर्फ वही इनविजिबल होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वीन और आर्चर टार इनविजिबल हो गया है, और वो कुछ अटैक नहीं कर रहा अपने हमारे ट्रूप्स के ऊपर, बट जैसे ये स्पेल का इफेक्ट खत्म होगा वैसे ही वो टारगेट करेगा। तो ये एक चीज़ और है जो आप यूज़ कर सकते हो। एक हाउसिंग स्पेस कैपेसिटी है, और जैसे मैंने बताया सिंगल टारगेट, राइट।
तो अभी तक हमने कोई भी ऐसा स्पेल नहीं देखा था जो सिंगल टारगेट था, ये पहला ऐसा स्पेल है। टेम्परेरी है, मतलब कुछ दिनों बाद ये चला जाएगा, बट फिर भी काफ़ी यूनिक है, आप इसे डेफिनेटली यूज़ करोगे आने वाले टाइम में। जैसे मैंने बताया, मैं इन चीज़ों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा यूज़ करूँगा। तो ये हमारा ये चैलेंज है जो आपने देखा होगा, इससे पहले भी बहुत सारे सीजनल चैलेंजेस आ चुके हैं। तो क्या ख्याल है आपका, मेरे को ज़रूर बताना। एंड अब हम एक अटैक ट्राई करेंगे जहाँ पे हम यूज़ करेंगे दोनों चीज़ों को, मतलब एक ये जो टेम्परेरी स्पेल है उसको भी यूज़ करेंगे एंड देन टेम्परेरी जो ट्रूप है उसको भी यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक अटैक कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया थोड़े सीजनल ट्रूप्स और स्पेल्स जो है मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं दो येलो कार्ड यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे 10 जायंट थ्रोअर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रेटजी मैंने थोड़ी सोची है, पता नहीं कैसी जाएगी, अभी तक इतना ट्राई करके देखा नहीं है, बट नया जो इक्विपमेंट है उसे भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने जायंट गॉन्टलेट को पेयर किया है एपिक जो नया आया है स्पाइकी बॉल उसके साथ, एंड बाकी सारी चीज़ों में ये फ्रोजन एरो रहेगा, यहाँ पे इटर्नल टोम और हीलिंग टोम रहेगा, एंड देन यहाँ पे सीकिंग शील्ड विथ हॉग राइडर पॉपेट, राइट। तो ये हमारा बेस है एंड जो प्लान है, मतलब मैंने भी सोचा कि जब ये आएगा तो मैं इसको इन गेम यूज़ करके थोड़ा कोशिश करूँगा यूज़ करने का। तो प्लान कुछ ऐसा है कि फीन को पहले एक छोटा सा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड फनल हम लेके ना वापस रिकॉल करके एक तरीके से स्मैश अटैक करेंगे विद द जायंट थ्रोअर्स, राइट। सो कैसे करेंगे, तो प्लान कुछ ऐसा है कि हम, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले क्वीन के साथ थोड़ा सा वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे दो स्निकी गॉब्लिन ड्रॉप करते हैं ताकि यहाँ पे वॉल जो है वो ओपन हो जाए, एंड देन यहाँ पे हम अपने हीलर्स के साथ आएंगे, राइट, नाइस। ओके तो ये सिंगल इन्फर्नो टार अगर हमें मिल जाए और आसपास के थोड़े से डिफेंसेस तो सही रहेंगे, यही हमारा एम है। यहाँ पे मैं दो स्निकी और ड्रॉप कर देता हूँ, क्वीन की फ्रोजन एरो की वजह से सिंगल इन्फर्नो जो है वो ज़्यादा डैमेज नहीं देगा, परफेक्ट, नाइस, ओके वेरी गुड। इसको 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 ये करते हैं, राइट, नाइस, ओके क्वीन एबिलिटी चली गई है, बट कोई बात नहीं, चलेगा। तो येलो कार्ड जो है उसने भी हमारा काफ़ी अच्छा काम किया, देन वी कैन हील सॉरी रेज दिस, और उसी के साथ यहाँ पे जो बारबेरियन किंग है उसको भी हमने निकाल लिया है, और जैसे कि आप देख सकते हो हमारे येलो कार्ड ने काफ़ी अच्छा काम किया, बहुत देर से रोक के रखा रिकोशे कैनन को, एंड फाइनली अब हम यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे क्वीन को, राइट। अब यहाँ पे हम अपना सीज बैरक लेके आएंगे, यहाँ पे एक ये ड्रॉप करते हैं एंड देन अपने मेन आर्मी के साथ आएंगे। मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया बट चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये आ जाएगा, ये देन ये आ जाएगा और हमारी क्वीन आ जाएगी विद बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पे कुछ ये आ जाएंगे, ओके थोड़े से जायंट थ्रोअर्स और मैं रिकमेंड करूँगा गाइस, अगर आप जायंट थ्रोअर्स यूज़ करोगे ना तो आप सारे ना एक साथ यूज़ मत कर लेना, क्योंकि उसका जो इनिशियल एबिलिटी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप थोड़े थोड़े यूज़ करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी तक तो हम सही जा रहे हैं, लेट्स रेज दिस एंड लेट्स पॉप अप द वार्डन एबिलिटी, परफेक्ट। अब थोड़े से और जायंट थ्रोअर्स में ना साइड से लेके आऊँगा, यहाँ पे 1, 2, 3, परफेक्ट, लुकिंग गुड। टाउन हॉल को हम बाद में जाके नहीं, एक्चुअली इसको करते हैं, ओह वाव टाइमिंग बड़ी अच्छी थी। आरसी एबिलिटी हमने यूज़ कर ली है, लेट्स फ्रीज दिस, यहाँ पे देखो इसको इनविजिबिलिटी टार को ना, अब हम इसको फ्रीज कर देंगे, परफेक्ट, नाइस। यहाँ पे ये सही जा रहे हैं, नॉट बैड, थोड़ा सा क्लीनअप पड़ा है हमारे पास, ओके अभी भी किंग एबिलिटी है, दैट्स गुड, नाइस नाइस नाइस, सही जा रहे हैं। यहाँ पे एक वॉल ब्रेक हमारे पास थोड़ा सा क्लीनअप है, 29 सेकंड्स, थोड़ा टाइम वैसे मैंने पहले ले लिया था बट फिर भी आई थिंक हमारे पास इनफ टाइम है। यहाँ पे ये किंग एबिलिटी है हमारे पास एंड लेट्स पॉप अप द किंग एबिलिटी, और ये देखो भाई, ओ भाई भाई टाइम फेल में भी हेल्प करेगा, मतलब बहुत सारे जो टाइम फेल्स हो जाते हैं ना उसमें भी अब ये किंग हेल्प करने वाला है। डेफिनेटली रेज वाइल्ड ना होने की वजह से किंग थोड़ा स्लो रहेगा बट आप यूज़ कर सकते हो, बट इसको अपग्रेड करने में फटेगी ना सबकी, वही है, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट आई होप गाइज आपको ये वाली वीडियो एंड ये वाली अपडेट काफ़ी अच्छी लगेगी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों का क्या ख्याल है मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आई होप मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।